ऑडियंस के लिए चलो जाओ 10,000 रुपये और कम कर दीजिए। ऐसा कंटेंट, ऐसी डील्स आप मिस आउट कर दोगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ऐसी डील्स और ऐसी वाइब्स अगर कोई और देखने को मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि भाजी आप बहुत महंगी दे रहे हो, यहाँ पर सस्ती मिल रही है। तो हे गाइस, इट्स मी प्रिंसिंग एंड यू आर वाचिंग यूपी 15 ब्लॉगर। दोस्तों आज हम वापस आए हैं यहाँ पर रजौरी गार्डन सुपर बाइक्स एम्पोरियो में, लेकर आप लोगों के लिए बहुत सारी सुपर बाइक्स का कलेक्शन वापस से। बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में बाइक आने वाली है। Z900 का कलेक्शन आने वाला है जो कि आप लोग बताएंगे कैसी बाइक रहेगी और आप लोगों को साउंड भी सुनाया जाएगा, प्राइस भी बताया जाएगा। बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस रेंज में यहाँ पर आप लोगों को बाइक मिलेगी। तो चलते हैं अंदर जसमीत पाजी के पास। जसमीत पाजी हम लोगों को बाइक दिखाएंगे और पूरी डिटेल्स बताएंगे। और चले चलते हैं अंदर। और अंदर जाने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग आप लोगों को बहुत जल्दी मिलते रहे। तो कैसे हो जैसी पाजी? ऑल वेल प्रिंस, आप सुनाओ, हाउ आर यू डूइंग? बस बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। तो पाजी कौन सी बाइक से स्टार्ट करने वाले हो आज की वीडियो हमारी? आज हम आपका काफी अच्छा लाइनअप खड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक स्टॉक लेकर आया हूं गाइस आपके लिए। जैसे आप लोगों की डिमांड रही लास्ट वीडियो में कि पाजी आपने इतनी सारी बाइकें दिखा दी लेकिन Z900 नहीं दिखाई जी, Daytona नहीं दिखाई, तो आपके लिए Z900 Daytona भी ले आए गाइस, वो भी अवेलेबल है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। एंड ट्रायम्फ की Daytona ये आ गई है हमारे पास, ट्रायम्फ की Daytona 675। ये आर नहीं है, ये बेसिक 675 है। दिस थिंग इज रैप्ड इनटू नाडू ग्रे, ग्रे कलर में रैप हो रखी है। द बाइक जस्ट केम इन, तो थोड़ी सी रैप की कंडीशन अभी इतनी साफ नहीं है, ओपन ऑनेस्ट विद यू, बट हाँ वी विल बी गिविंग इट फॉर रैप वंस अगेन। बट अगर आप चाहते हो इसको बिल्कुल इसके स्टॉक का बता में देखना, ओरिजिनल कलर ऑफ दिस बाइक इज कम्प्लीटली रेड, बिल्कुल लाल रंग की बाइक है। अगर आपको लाल रंग में चाहिए लाल रंग में दे देंगे, अगर आपको रैप में चाहिए तो रैप में दे देंगे। जैसे हमारे कस्टमर कहेंगे वैसे आपको डील देंगे। दिस इज 2015 की ये बाइक है, सिर्फ 17,000 किलोमीटर चली है, ओनली 17,000 किलोमीटर्स डन। काफ़ी कुछ सामान लगा हुआ बाइक के अंदर, फ्रॉम LED हेडलाइट्स टू ऑस्टिन रेसिंग का सिलिकॉन एग्जॉस्ट विच इज़ ऑन द वेरी लाउडर साइड, एंड LED इंडिकेटर्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करे गए हैं। मिरर्स भी गए इसमें, ZX 10R वाले मिरर्स लगे हुए हैं विद द LED इंडिकेटर्स। ये जो बाइक है गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट बाइक नाउअडेज, ये देखने को बहुत कम मिलती है, एंड साफ बाइक मिलना तो और रेयर हो गया इस बाइक के साथ। बाकी इतनी ही कंफर्टेबल बाइक है, मैं 6 फुट लंबा हूँ, मेरी एक बारी आप सीट हाइट देख लो उसके ऊपर, पैर पूरे पहुँच रहे नीचे विद द हील्स, ये नहीं सिर्फ टोज पहुँच रहे, पूरी हील्स टच होती है नीचे, और अभी भी काफ़ी मार्जिन है। तो जिनकी हाइट थोड़ी छोटी भी है, लेट्स से प्रिंस भाई इतनी हाइट है, अगर 5'6", 5'7", 5'8" तो ऑपरेट कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी है गाइस, ये बाइक इजी है चलाना। एंड वजन की बात करें तो एक बुलेट जो आती है लगभग 175 किलो की, ये बाइक आती है 180 किलो की। क्या बात करो, बस इतना? बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा पाजी, इसकी पावर के बारे में और बताइए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मैंने ज्यादा सुना था इसकी पावर की। अगर बात करें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, और क्विक फैक्ट ऑफ द डे, जितनी पावर ये प्रोड्यूस करती है 900 सीसी की, उतनी ही पावर ये प्रोड्यूस करती है 600 सीसी की। और ये बाइक Z900 से भी लगभग 40 किलो हल्की है, 40 किलो हल्की है। ये आती है 225 किलो की, दिस इज फॉर ओनली 183 किलो। इसका टॉर्क कितना होता था बाजी? टॉर्क की बात करें तो अराउंड 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये देती है, विच इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज मेन है पावर टू वेट रेशियो की अगर बात करें, 125 हॉर्स पावर की बाइक 180 किलो की, और सुपर स्पोर्ट्स इतनी एरोडायनामिक, मतलब ये बाइक जा सकती है 270-275 तक आराम से जाती है,
बट जी 900 नहीं जा सकती उतना. दिस थिंग मैक्सेस आउट एट 240 250 मैक्सिमम चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन राइडर वेट एंड हाइट. ये उससे ऊपर नहीं जा सकती और ये रिकमेंड भी नहीं करूंगा इतनी तेज भगाना. जी 900 बिकॉज नेकेड बाइक हाई स्पीड पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है. ऑन दी अदर हैंड ये बाइक जो है ये तो ट्रैक वेपन है भाई. इसको तो जैसे मर्जी लटा लो, जैसे मर्जी चला लो, एक टायर पर चला लो, पूरा लीन कर लो, 250 प्लस भगा लो, कॉन्फिडेंस आपको पूरा देगी. एंड बाइक के अंदर जो पावर है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या चला रहा हूँ. मतलब ऐसा लग रहा है कि जीनोसो को स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दिया और वो बस घोड़े की तरफ भागने लग गया. अब इन दोनों के कंपैरिजन में बताइए भाजी, अगर कोई हमारी ऑडियंस लेना चाहे और इन दोनों के कंपैरिजन में कोई बाइक चाहिए तो कौन सी बेस्ट रहेगी? वेल दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टू यूज. अगर आपको कोई डेली ड्रिवन बाइक चाहिए, अगर आप रोज चलाना चाहते हो, ट्रैफिक के अंदर फंसना चाहते हो, डेली कम्यूट करना चाहते हो, तो जीनोसो लो क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और कम्फर्टेबल है. अच्छा, अगर आप एंथुजियस्ट हो, पागलों की तरह बाइक चलाते हो, जसनीत सिंह की तरह हो बिल्कुल, हेलमेट पहनने के बाद दूसरा रूप चालू हो जाता है आपका, अग्रेसिव राइडर हो, व्हीली मारने के शौकीन हो, ट्रैक डे करना चाहते हो, तो ये बाइक लो. इसका कोई तोड़ नहीं है. 600 सीसी की और कोई बाइक नहीं है इस प्राइस रेंज के अंदर. ZX6R भी अगर लेने जाओगे तो वो भी आपको 8.5-9-10 लाख की मिलेगी. 8.5 की तो वैसे नहीं मिलेगी, 9-9.5-10 लाख रुपये से नीचे की आपको 6R नहीं मिलेगी. और अब नई 6R वैसे ही महंगी कर दी है, लगभग 13 लाख रुपये की कर दी है. तो दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट लीगली व्हिच इज. इसका प्राइस क्या रहने वाला है भाजी? ये बाइक आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए की, ओनली फॉर 7 लाख रुपीज. सिर्फ प्रिंस बाइक के ब्लॉक पर मैं सर डाल रहा हूँ, एल्स पर तुम्हारा एक्सपेक्ट प्राइस वॉज 7.25 लाख फॉर दिस बाइक. सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर आओ और ये बाइक ले जाओ. उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे. एक बार इसका भी साउंड सुना है अपनी ऑडियंस को? आइए लेट्स वाइज थिंग. ऊपर अब ये बाइक भी दिखने में आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, प्यारी सी लग रही होगी, बट गाइस ये भी 900 सीसी की बाइक है. ये 900 सीसी की बाइक है? यस सर. देखने में तो नहीं लगती, पता भी नहीं चलता. 900 सीसी मोटरसाइकिल, जी 900 के सेगमेंट की बाइक है ये. लेकिन दिस इज अ ट्विन सिलेंडर बाइक, इसके अंदर दो इंजन आते हैं, सॉरी दो पिस्टन आते हैं. दिस इज ट्विन सिलेंडर, दैट इज 3 सिलेंडर. आपने पहले जो देखी वो 4 सिलेंडर, और वो भी 4 सिलेंडर है. ये जो बाइक है गाइस, दिस इज दी पैरेलल ट्विन मोटर. बिल्कुल सामने से आप देख सकते हो, एक एग्जॉस्ट पाइप ये जा रहा है, एक एग्जॉस्ट पाइप लेफ्ट साइड से जा रहा है इंजन के. दिस बाइक एक्चुअली, इसकी भी एक आपको एक लेगेसी बता देता हूँ. रॉयल एनफील्ड के जो इंजन आते हैं, GT650 का, इंटरसेप्टर 650 का, और सुपर मीटियोर और भी आ रही है 650 सीसी में, हाँ जी, दैट टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ट्रायम्फ. मतलब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है वो इंजन. तो अगर बेटा रॉयल एनफील्ड है, पापा उसके ट्रायम पे, तो कोई ना कोई तो बात होगी. बिल्कुल बिल्कुल. ये इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड है कि बस मैं क्या बताऊँ. इसी बात पे पहले इसको फायर अप करते हैं एंड आपको इसकी वाइब्रेशंस दिखाते हैं कि वाइब्रेशन है भी या नहीं. आवाज में क्राउडी में देख लो कि भारी आवाज आ रही है. हाँ, भारी आवाज तो है इसमें. और वाइब्रेशन देखो 0/0, कोई हैंडल नहीं हिल रहा, कहीं से कहीं कोई लेग गार्ड नहीं हिल रहा, कुछ भी नहीं हिल रहा बाइक पे. अगर इसी की जगह पर हार्ले होती तो? हार्ले होती तो अभी वो ऐसे 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 हिल रही होती, मैं भी ऐसे ऐसे हिल रहा होता, ऐसे ऐसे वो ट्रेल बता रहा होता. ये है हमारी 48. जोक्स अपार्ट गाइस, हार्ले ओनर्स को कोई बुरा मत मानना. इसके अंदर ये लाइट्स भी लगी हुई हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स अलॉन्ग विद दीज बुलेट इंडिकेटर्स, जो कि सिर्फ 15,000 रुपये के ये इंडिकेटर्स है. 15,000 के ओनली इंडिकेटर मिल रहे हैं. एग्जैक्टली. उसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ सामान है, फ्रॉम दिस फ्रंट विंडस्क्रीन टू द लेग गार्ड, सॉरी हेडलाइट प्रोटेक्टर. एंड अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर जो मड गार्ड लगा हुआ है, दैट इज ऑफ प्योर कार्बन फाइबर. दिस इज नॉट रैप्ड, दिस इज नॉट हाइड्रोड्रिप, दिस इज प्योर कार्बन फाइबर.
अलॉन्ग विद दैट इसमें लेगगार्ड लगा हुआ है, एग्जॉस्ट इसके अंदर स्टॉक है, टैंक पर टैंक रिप्स लगी हुई है, पीछे भी इसके अंदर बुलेट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पर इंस्टॉल हैं। ओवरऑल बाइक चली है सिर्फ 11,000 किलोमीटर एंड इस रेट्रो लुकिंग बाइक के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इसके अंदर काफ़ी कुछ आता है गाइस, फ्रॉम राइडिंग मोड्स टू ट्रैक्शन कंट्रोल टू TPMS इज योर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड ABS, ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक के अंदर मिलती है, जो देखने में आपको बहुत सादी सी लग रही होगी लेकिन ये सादी बाइक है नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। एंड और दो चीज़ इसके लिए वेट करेंगे, ट्रायम्फ सही जो लीवर्स हैं दीज आर द एडजस्टेबल लीवर्स फ्रॉम द ब्रांड ट्रायम्फ इटसेल्फ, ये ट्रायम्फ के लीवर्स हैं एंड ये जो मिरर्स लगे हैं ये भी ट्रायम्फ के ही मिरर्स हैं, द बार एंड मिरर्स विच आर ऑल्सो भी इंस्टॉल दिस मोटरसाइकिल। एक्सेसरीज की बात करेगा इस तो कम से कम 1,25,000 रुपये का सामान इस बाइक के अंदर लगा हुआ है, नई बाइक आती है लगभग 11,00,000 रुपये की ऑन रोड, दिस इज द 2020 मॉडल, 2020 की ये बाइक है, गोवा रजिस्टर्ड है, 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, डॉट 11,000 चली हुई है। एंड अगर हम बात करें प्राइस की, सुपर बाइक से पूरी पे आपको ये बाइक मिल जाएगी और जस्ट 6.5 लाख, सिर्फ 6.5 लाख रुपये के अंदर आप ये बाइक ले सकते हो, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। फिर कह रहा हूँ ये मत सोचना कि 6.5 लाख की डाउन पेमेंट है और बाकी का फाइनेंस होगा, 6.5 लाख इज द होलसम अमाउंट, कोई फाइनेंस वाला चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू वांट टू ओन दिस बाइक कम ओवर एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो, हैव अ लुक, टेक इट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, कंपनी चेक कराओ, पूरा सेटिस्फाई हो जाओ, ओनली देन बाय द बाइक फॉर द 6.5 लाख, स्लाइटली मोर नेगोशिएबल फॉर यू गाइस, कम ओवर एंड टेक दिस बाइक होम। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज के बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे दो ऐसी बाइक्स खड़ी हुई हैं जिसका मन में सबसे ज्यादा डाउट आता है कि क्या चक्कर क्या इतनी अलग क्यों है, वो है ये दोनों पर्टिकुलर बाइक्स Z900 एंड Z1000। कहने को गए पेपरों में सिर्फ 100 cc का फर्क है, नाम के अंदर भी सिर्फ 100 cc का फर्क है, लेकिन ये दोनों बाइकों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। पहला फर्क मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा पास आ जाओ, एक बार इसके यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज की और नीचे लिखा हुआ है मेड इन जापान जी, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों बाजी? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो बाइक आती है Z900 ये आती है CKD के अंदर, वो आती है CBU के अंदर। CKD CBU का मतलब CKD stands for a complete knockdown unit, ये जो आती है ये पार्ट्स में आती है, मैन्युफैक्चरिंग जापान में ही होती है लेकिन यहाँ आके असेंबल करी जाती है, और वो जो आती है वो मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं होती है, असेंबल भी वहीं करी जाती है एंड एज अ कम्प्लीट यूनिट, पूरी बनने के बाद CBU stands for a completely built unit, ये पूरी बनने के बाद ही जैसे अभी खड़ी हुई है एज ए यूनिट इम्पोर्ट करी जाती है, जिसके अंदर टैक्सेशन ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होती है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जो आज रियलाइज होता है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलता है CBU के अंदर, स्पेसिफिकली इस Z1000 के अंदर, वो डाउन द लाइन 5-6 साल बाद पता चलता है कि क्या क्वालिटी एक्चुअली CBU की आती है दैन CKD। तो उस बारे में गाइस आज डिस्कस करेंगे। एंड रही बात प्राइसिंग की गाइस, ये नई बाइक उस टाइम पे इतनी महंगी थी कि जिसके अंदर आपको 2 Zenos मिल जाती। क्या बात करो, कितने थी बाजी इसकी कॉस्टिंग उस टाइम पर? ये थी लगभग 16 lakhs एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड पड़ती थी लगभग 17-17.5 लाख रुपए की एंड उस टाइम पे 2018 में Zenos को प्राइस होता था मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए के आसपास का बस। हाँ तो सीरियसली दो आ जाएगी उस टाइम, तो सीधा सीधा मान के चलो कि Zenos 2 ले सकते थे आप rather than buying for one Z1000। तो अभी इसकी क्या डिटेल है बाजी सारी? हाँ जी, इसकी बाइक की Z900 की क्या डिटेल्स आज की? वेल चलो डिटेल्स पे आते हैं। Z900 जो है गाइस, दिस इज 2019 मॉडल, 2019 मैन्युफैक्चर्ड, 19 रजिस्टर्ड की है। दिस इज द लिमिटेड एडिशन कलर स्कीम ऑफ मून डस्ट ग्रे। आपने कावासाकी हमेशा ग्रीन कलर के अंदर ही देखी होगी, ग्रीन कहीं ना कहीं होता ही है, मोस्टली ग्रीन ही होती है। बट दिस इज द लिमिटेड एडिशन कलर, इसको नाम भी दिया हुआ है मून डस्ट। मून की जो डस्ट होती है उस कलर का ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। एंड कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस कमेंट करके। This is 2019 manufacturer registered, दिल्ली नंबर है, नंबर प्लेट सामने लगी हुई है, रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है, टैंक पर टैंक ग्रिप्स लगी हुई है, SC बजट का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कस्टम एग्जॉस्ट है और पीछे टेल डेडिकेट भी लगी हुई है, अलॉन्ग विद द BS6 वाले इंडिकेटर्स। ये जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो ये BS6 वाली Zenos के अंदर है, which kind of looks very good on this motorcycle। एंड रही बात इस बाइक की, 13,000 किलोमीटर चली हुई है, सेकेंड ओनर है एंड फुल सिस्टम ऐसी लगा है, तो एक बार आवाज सुनाना तो बनता ही है। तो आइए पहले इसको फायर अप कर लेते हैं।
मजा आ गया, जबरदस्त लाउड है ये, जबरदस्त लाउड है इसकी आवाज गाइस, सही में बहुत जबरदस्त है, पटाखे भी मारती है ये बिकॉज ऑफ फुल सिस्टम, देयर इज नो बैक प्रेशर व्हाटसोएवर। तो इस बाइक का जो प्राइस होने वाला है गाइस, दैट्स गोना बी ओनली 7.25 लाख, सिर्फ 7.25 लाख रुपए के अंदर आपको 2019 मॉडल की 0 मिल जाएगी विद ऑल दीज एक्सेसरीज। That price is slightly more negotiable, थोड़ा बहुत negotiate कर देंगे आपके लिए। तो बात ये अच्छी और बताइए, हमारी audience के लिए क्या regard रहेगा यहाँ पर? आपके audience के लिए चलो जाओ 10,000 रुपये और कम कर दिए, सीधा 7,15,000 रुपये की, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत और मान सम्मान कर देंगे अगर आप डील करने आओगे। तो दोस्तों प्रिंस बाइक ऑडियंस के लिए सिर्फ, तो दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आइए, कहीं ये वाली बाइक का डील आपके हाथ से निकलना चाहिए। दोनों खड़ी हुई है, Z900 और Z1000, जो भी आपका मानो वो यहाँ पर लेकर जा सकते हैं विद 10,000 इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ, डेफिनेटली। बाकी इसकी बात करें तो इसके अंदर तो एक्सेसरीज की भरमार है। एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा, इसके जैसी रेडिएटर ग्रिल अगर आपने कहीं देखी है तो कमेंट करके बता दो। मैंने अभी तक नहीं देखी इसके जैसी। मैंने काफी सारे मतलब शोरूम्स पर विजिट किया हूं और सारी वीडियोस बनाई है, बट मैंने कितनी सारी बाइक्स ऑन करी हैं, बेची हैं, हजारों लाखों बाइक बेची है, लेकिन ये चीज कभी नहीं देखी। दिस इज हेवीली लोडेड फ्रॉम लीवर्स टू दिस ब्रेक ऑयल रिजर्वर कैप टू रिवर प्रोटेक्टर, फोर्क प्रोटेक्टर, फ्रेम स्लाइडर, इंजन प्रोटेक्टर, हर चीज में जगह जगह पे सामान है। टैंक का टैंक ग्रिप्स है, पीछे टेल टाइडी है, क्विक रिलीज टैंक कैप है, इसकी पेट्रोल भराना भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज में मतलब छोटी से छोटी जगह में इसमें सामान लगा हुआ है। ये बाइक चलिए 22,000 किलोमीटर 22,000 चली है, 2 मीटर टैम्परिंग नथिंग व्हाटसोएवर। कंडीशन देखोगे तो शायद 8-10 हज़ार से ऊपर चली लगती नहीं है, लेकिन वी बिलीव इन एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर आपको किसी गाड़ी के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं मिलेगी, स्पेसिफिकली मीटर के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी दिस इज अ कस्टम पेंट ऑफ व्हीकल, ये कस्टम पेंट किया हुआ है इन दिस हनीकॉम ग्राफिक्स। कैसी लग रही है लुक्स, कमेंट सेक्शन आपका यह जरूर बताना। एग्जॉस्ट स्टॉक है इसके, ये भी दिल्ली नंबर है। प्राइस के बारे में बात करें, इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ प्रिंस भाई के लोगों के लिए जो इस चैनल वीडियो को देख रहे हैं, ओनली 11 लाख ओनली 11 लाख और कम कर देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने मांगेंगे 12-13 लाख रुपए। आज भी गाइस 2014-15 जी 200 का प्राइस, जी 1000 का प्राइस सॉरी मार्केट में चल रहा है, 8-8.5 इवन 9 लाख रुपीज के पोस्ट देखे मैंने साउथ इंडिया के अंदर। बट आपको 2018 मॉडल की बाइक हम लोग दे देंगे, द लास्ट ऑफ इट्स काइंड सीबी यूनिट, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज की बैचिंग आप देख चुके हो, और जस्ट 11 लाख रुपीज। अभी मैंने पूरे दिल्ली में ये वाली बाइक अभी देखी नहीं थी किसी शोरूम पे सेगमेंट पे। तो पाजी इसका साउंड भी सुनाया अपने ऑडियंस को एक बारी, आओ जाओ बिल्कुल सुना दे दी, लेट्स फायर दिस थिंग अप। इसमें डुअल साइलेंसर है, डुअल एग्जॉस्ट? यस सर, बिल्कुल दोनों तरफ इसमें एग्जॉस्ट आते हैं। ये आवाज एक 1000 cc लीटर ब्लॉक की, मतलब लीटर क्लास इंजन की, थोड़ी बेसी आवाज, थोड़ी भारी आवाज आती है इसके अंदर। और इसमें एग्जॉस्ट भी लियोविंस के मैं आपको साथ में फ्री दूंगा, सिर्फ और सिर्फ UP50 व्लॉगर प्रिंस बाइक चैनल पर जो वीडियो देख के आएंगे उनको 60,000 रुपीज के एग्जॉस्ट लियोविंस के मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। तो दोस्तों अब तो जल्दी से आ जाओ ये, वरना ये डील भी निकल जाएगी आज से। ये वाली बाइक भी चली आएगी, ये भी चली आएगी कावासाकी की। ये आ गई है हमारे पास कावासाकी की वर्सेस 650 वर्सेस, यस सर। इसके अंदर भी सेम पैरेलल ट्विन मोटर आती है, बट ये है इन सब में से सबसे छोटा बच्चा, सिर्फ 650 cc का। अच्छा। देखने में सबसे बड़ा लग रहा होगा आपको, बड़ी है सबसे छोटा। अब इसकी जो लुक्स है गाइस, एक बार इसका ग्रीन देखो, कावासाकी का ग्रीन जैसे कि बहुत कमेंडेबल होता है। तो आई लाइक यू गाइस, एक बार वहां से आओ and have a look at the royal green, the depth of the green color on the tank and the rear section. Guys, accessories ke andar bahut sari lagi hui hai, pannier mounts lage hue hain, zana ka top box rack laga hua hai, iske upar top box laga sakte ho, adjustable windscreen hai, bark busters lage hain, knuckle guard protector, zana ki taraf se pura engine cage laga hua hai, radiator guard laga hua hai, Pirelli Scorpion ke brand new set of tires hain both front and rear, matlab और बहुत सारा सामान है जो गिनते गिनते शायद देर हो जाएगी। एलईडी हेडलाइट्स है इसके अंदर, आपको सब मिलती है, एवरीथिंग इज देयर इन द मोटरसाइकिल एंड दिस इज कम्प्लीटली लद्दाख रेडी। बाकी बात करें हाइट वेट की, तो गाइस मैं आपको दोबारा बैठ के दिखा देता हूँ। अब देख लो, मैं भी 6 फुट लंबा हूँ, पैर मेरे पूरे पहुँच रहे हैं, ये भी पैड ऑफ पर नहीं है, दोनों पैर पहुँच रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक पैर पहुँच रहा है, दोनों पैर में नीचे टच हो रहे हैं। तो जिनकी हाइट कम है
लेट्स सपोज 5.9, 5.10 है तो आपके भी टिप टोस पहुंचेंगे, विच इज सफिशियंट मोर देन इनफ कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि दोनों पैर टच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक साइड को ऐसे झुक के बैठे हो एक पैर लगाने के लिए, फिर एक साइड बैठे हो एक पैर लगाने के लिए, दैट बिकम्स रियली पेनफुल इन द लॉन्ग रन। तो इसके अंदर गाइस हाइट भी अच्छी है, सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है इस बाइक का, टायर आप देख सकते हो ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, तो सिर्फ ऑन करनी है, पेट्रोल भराना है और ले जाना है इसको लद्दाख। आइए कोई इसका स्टैंड ऊपर करके आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते हैं। साउंड का जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट है तो इसका साउंड बिल्कुल बेसिक्स है। या बहुत बेसिक साउंड है एक्चुअली। इन बाइक्स के अंदर एग्जॉस्ट लगाने का फायदा भी नहीं है, बिकॉज अगर आप टूरिंग करने जाते हो, लॉन्ग टूर करते हो, लद्दाख वगैरह जा रहे हो और आपकी बाइक में लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो आपकी बाइक ही आपका सिरदर्द करेगी। उससे अच्छा एटलीस्ट को स्टॉक में लेके जाओ। अभी फिर हम एक क्लोज एरिया के अंदर है तो आवाज़ काफ़ी लाउड लग रही है, बट एल्सवर्थ रोड पे इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। इससे एग्जॉस्ट भी देखने को नहीं मिलता कहीं पे एग्जॉस्ट ना है इसका। इसका एग्जॉस्ट एक्चुअली में अंडर बेली है। आपको शोवा का सस्पेंशन मिलता है। शोवा का सस्पेंशन इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली एडजस्टेबल, प्री लोड और डैम्परिंग दोनों एडजस्ट कर सकते हो एट द फ्लिक ऑफ द गो, चलते चलते भी एडजस्ट कर सकते हो। आप देखना चाहते हो तो दीज आर योर adjustable Showa suspensions। पर इसका क्या प्राइस रहने वाला है? 2018 की बाइक है गाइस, दिल्ली नंबर है, नंबर सामने लगा हुआ है, सिंगल ओनर है, 33,000 किलोमीटर चल चुकी है, ऑल जेन्युइन विद सर्विस रिकॉर्ड। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, नई बाइक आती है लगभग अगेन 8.5 लाख के आसपास की, इतनी सारी एक्सेसरी लगा लोगे तो लगभग 9.5 की पड़ती है बाइक। आपको हमारे पास मिल जाएगी 2018 की बाइक एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 4,75,000, सिर्फ 4,75,000 रुपये के अंदर आप वर्सेस ओन कर सकते हो। पाजी आना कहाँ पर होगा इन बाइक को परचेस करने के लिए इन सभी को? गाइज आपको आना है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे, छोटा सा शोरूम है हमारा आपके लिए, खिलौनों का स्टोर है हमारा, छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल मेन रिंग रोड पे है, मार्बल मार्केट है रजौरी गार्डन की, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से। तो रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली सुपर बाइक्स एम्पोरियो मेन रिंग रोड मेन हाईवे पे, सामने ही हमारे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साथ क्रोमा है, लोकेशन हमारी गूगल मैप्स पे डल रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आ जाओ, जो बाइक पसंद है आके ले जाओ। कृपा जी हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहोगे चैनल के लिए? तो गाइस मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आप हमारे रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे हैं और ऐसा कॉन्टेंट ऐसी डील्स आप मिस आउट कर दोगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ऐसी डील्स और ऐसी बाइक्स अगर कोई और देखने को मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि पाजी आप बहुत महंगी दे रहे हो, यहाँ पे सस्ती मिल रही है। आई डेफिनेटली लुक आफ्टर दैट। एंड बाकी दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, राइट योर हार्ट आउट, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, नाजायज लगा, जैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।